ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन, पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटी सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ अश्मिता तिवारी। गया शहर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए गया नगर निगम लगातार प्रयत्नशील है। अपने इसी प्रयास के तहत निगम योद्धा दिन ही नहीं बल्कि रात्रि में भी सैनिटाइज करने में जुटे हुए हैं ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्टेडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल पर प्रश्न उठाने वालों को खुद से जांच करा सकते हैं, कमी नहीं मिली तो होगी मानहानि का मामला दर्ज। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि निगम एक स्वायत्त संस्था है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गया नगर निगम के डिप्टी मेयर अकोरी ओकरनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि गया शहर के नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए निगम के कोरोना फाइटर्स लगातार कार्य कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इनके हौसले को अफजाई ना करें, साथ ही साथ ताकि वह जोश से उनकी हिम्मत इतनी बढ़ाई जाए कि वह साथ अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन की खामियां उजागर करने वाले पत्रकार, समाजसेवी नेताओं पर FIR दर्ज होते रहे तो लोग विद्रोह करेंगे। कुछ लोग का कहना है कि पानी का छिड़काव बना, ये बहुत ही विद्रोही है। हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप कोरोना महामारी जो हमारे कर्मचारी उन्होंने जान में दे दिया, क्या वो भी बेकार था? ऐसे सामाजिक ऐसे दुष्प्रचार करने वाले व्यक्ति को समाज के लिए कोड है। अगर आपको जांच करना है हाइपोक्लोराइड जो 17 रुपये लीटर देता है, वो कहते हैं करोड़ों रुपये मिलता है, वो गलत बात है। बिना जानकारी के किसी पर टिप्पणी करना वो बहुत गलत बात है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो गलत टिप्पणी करते हैं उस पर अभी नगर निगम मानहानि का केस करेंगे। जो जानकारी नहीं है व्यक्ति को, वो झूठ मूठ को घर पर बैठे, जो कोई सामाजिक कार्य नहीं करता है, कई पत्रकार बंधु पर केस करवाते हैं, कई कुछ करते हैं, ये बहुत ही दुखनीय चीज़ है। आज आप लोग को हम बता रहे हैं 80 साल का कोड बॉटम नाला जो हम लोगों ने नगर निगम सभी कर्मचारियों ने इसको एक प्रायोरिटी पर लेकर के 80 वर्ष पुराना नाला को हमने नाला का निर्माण कराया। आज इतने घोर वर्षा होने पर भी एक बूंद पानी नहीं जमा। सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में भी पानी का जल जमाव था, वो भी लगा हुआ। और नगर निगम युद्ध स्तर पर हरेक कार्य करने के लिए सज्जम है। इसी के साथ नगर निगम सही परिवार और मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं जो लगातार इस कोरोना महामारी में भी युद्ध स्तर पर हमारा साथ दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय दिन कई नेताओं के ऊपर ये बातें आती है, आम जनताओं के ऊपर आती है और आते आते अब पत्रकार भाइयों के ऊपर में भी ऐसा सुनने को मिलता है कि पत्रकार के ऊपर NMCH के अधीक्षक महोदय द्वारा मुकदमा दर्ज कराई गई। इस तरह से निरंतर संदेश जाने से आम लोगों के बीच में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज नहीं होकर एक अखाड़ा का हेडक्वार्टर बनते और सुनते लोग रहते हैं। अगर कुछ छोटी मोटी बातें हो आपस में इसको वहीं पर निराकरण होना चाहिए। जो मेडिकल में, अस्पताल में या जहां कहीं भी देश में जो व्यवस्थाएं हो, पेशेंट जाते हैं, उनके परिजन जाते हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इंसान इतना समझदार व्यक्ति है कि उसको सब कुछ समझ जाता है, बहुत कुछ बोलने कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी अपना कर्तव्य में कुछ नगर निगम में असुविधा होती है, कई कमेंट आते हैं, कई तरह की बातें आती हैं, कई सोशल मीडिया पर कमेंट हमको मिला पढ़ने के लिए, ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ये फॉगिंग से मच्छर और मक्खी भी नहीं मरते। जो इसके मानक बने हैं, जो साइंस के हिसाब से गुणवत्ता बने हैं, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए WHO ने किया। हम अभी स्टोर में जा कर के आप लोगों के सामने, तमाम पत्रकार भाइयों के सामने फ़ोटो खिंचवाया और दिखवाया कि सैकड़ों
गैलन जो है इसकी खपत हो चुकी है, हमारे पास दर्जनों गैलन अभी पर्याप्त मात्रा में। पहले हम इसको दिल्ली